Assalamualaikum students. How are you all? Okay, first of all, mark your attendance on the chat box with your name and class. Mark your attendance on the chat box with your name and class. Your book is Write Byte. Your book is Write Byte 1. Class 6. Open your books. Chapter number 1. The evolutions of computers. The evolution of computers. In this chapter, the evolution of computers, we can understand how computer process data. Computer kis tarah process karta hai. The electronic computer. Computer basically hai kya? Ek electronic machine hai. What are the types of computing devices? वो कौन सी computing devices हैं जो हम computer में work out करते हैं उसके जरिए? Computers according to size. Computer का size क्या है? So in this chapter we will learn about four things. How computer process data, the electronic computer, type of computing device, computers according to size. Computer process data. Computer only process data in three steps. One is input, second is processing, and the third one is output. Computer can process data in three ways. One is input, second is process, third is output. What is input? Anything that is given to the computer is called input. Anything that is given to the computer is called input. Processing, work done by the computer is called processing. ठीक है? उसके बाद next वाली है type output. Output, anything that computer gives us is called output. So how computer process data, we can understand three things. One is input, second is processing, and the third is output. Input, processing, output. A computer receives input in the form of raw data. Computer hamesha receive karta hai input ko in the form of raw data through an input device. It processes by data by changing it into the understandable form. जब हम कंप्यूटर को एक मीनिंगफुल चीज प्रोवाइड करते हैं तो वो उसको प्रोसेस करता है और हमें क्या करता है, रिजल्ट्स प्रोवाइड करता है. प्रोसेस डेटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन. प्रोसेस डेटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन. द कंप्यूटर देन प्रेजेंट इंफॉर्मेशन टू एंड यूजर. दिस इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड आउटपुट. यानी कि मैंने आपको सिंपल एग्जाम्पल दी. इनपुट क्या होता है? एनीथिंग दैट इज गिवन टू द कंप्यूटर इज कॉल्ड इनपुट. यानी एक स्टूडेंट का डेटा है, क्लास, सेक्शन, उसका कॉन्टेक्ट नंबर, दिस इज इनपुट. जब वो डाटा प्रोसेस हो जाता है, एक मीनिंगफुल फॉर्म में हो जाता है, दिस इज कॉल्ड प्रोसेसिंग. एंड द लास्ट इज आउटपुट. एनीथिंग दैट कंप्यूटर गिव्स अस इज कॉल्ड आउटपुट. अब हमारा क्वेश्चन है हाउ कंप्यूटर प्रोसेस डेटा. कंप्यूटर किस तरह प्रोसेस करता है हमारे कंप्यूटर्स में? कंप्यूटर कैन बी मेड ऑफ प्रोसेस डेटा इन इवन फास्टर एंड बेटर वेज. बहुत अच्छे वे में रिजल्ट्स प्रोवाइड करता है. द प्रेजेंट डेटा कंप्यूटर्स ऑन देयर प्रोसेसिंग पावर एंड स्ट्रेंथ देयर एंसेस्टर्स दे हैव कम अलोंग टू बी अचीव दिस स्टेट एंड न्यू एनी पीपल हैव कंट्रीब्यूट ऑन देयर क्वाइट वेज टू हेल्प अचीव दिस पावरफुल मल्टीप्लिकेटेड टूल. लेट्स सी हाउ कंप्यूटर्स हैव चेंज्ड ओवर द टाइम. In this unit, we will understand computer किस तरह चेंज होता है over the year. सबसे पहले जो कंप्यूटर स्टार्ट हुआ था, स्टार्ट था अबेकस. अबेकस, the अबेकस is the earliest computer. The अबेकस is the earliest computers. Calculators, it is used to be its data moved across wire string to add and subtract number. Suppose इससे आप लोगों ने कुछ गेम सीखी होगी, उनमें हम बीट्स को कुछ बीट्स को वन साइड पे कर देते हैं, कुछ बीट्स को नेक्स्ट साइड पे करते हैं, तो हम जब प्लस और माइनस करते हैं, सबट्रैक्ट करते हैं, तो वी यूज द बेगर. यूजिंग द एज ऑफ ओल्ड ओल्ड नंबर सिस्टम 0 to 9 इट हेल्प टू अचीव एक्यूरेसी इन कैलकुलेशन. यानी जब हम अपने बैकअप के जरिए कैलकुलेशन करते हैं और हमें
डन करते हैं। उसके बाद हमारा टॉपिक था नेफ्यू पॉन्स। नेफ्यू पॉन्स इन 1617 जॉन नेफ्यू इन्वेंटेड अ सिस्टम कॉल्ड नेफ्यू पॉन्स। 1617 में नेफ्यू पॉन्स ने एक सिस्टम क्रिएट किया था, उसको उसने नाम दिया था नेफ्यू पॉन्स। इट कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ रॉड्स, ठीक है, इस तरह के क्या थे, रॉड्स थे विद अ नंबर रिटन ऑन देम। इट कुड बी यूज्ड टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड नंबर। उसके जरिए हम लोग चीजों को क्या कर सकते थे, मल्टीप्लाई भी कर सकते थे और डिवाइड भी कर सकते थे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक था पास्कल लाइन। क्या था हमारा, पास्कल लाइन। इन 1642 ब्लेज पास्कल डेवलप द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर कॉल्ड पास्कल लाइन। किसने पास्कल लाइन क्या था डेवलप किया था, ब्लेज पास्कल ने डेवलप किया था फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर कॉल्ड पास्कल लाइन इंस्टेड ऑफ बीड्स ऑफ रॉड्स। ये किससे बना हुआ था, छोटे छोटे बीड्स थे रॉड से। इट वॉज ऑपरेट बाई व्हील्स एंड कुड बी एड एंड सब्ट्रैक्ट नंबर्स। एवरी मूव वाज ट्यूनिंग फॉर द फाउंडेशन नॉट ओनली फॉर कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन। यानी कि पास्कल लाइन ने जो कैलकुलेटर हमें बनाया था, जो डिवाइस कैलकुलेटिंग बनाई थी, यानी वो कॉम्प्लेक्स जो डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स की उनको सॉर्ट आउट नहीं कर सकते, उनके हमें रिजल्ट इतने अच्छे प्रोवाइड नहीं करती। बट ऑल्सो ग्रेट स्पीड, बट उसमें क्या था, स्पीड बहुत अच्छी थी, ऑटोमेशन एंड एक्यूरेसी, और उसमें क्या थी, दुरुस्तगी थी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है द लीबनीज कैलकुलेटर। लीबनीज कैलकुलेटर को किसने डेवलप किया, गॉटफ्राइड ने। किसने डेवलप किया, इन्वेंट किया, गॉटफ्राइड ने। लीबनीज कैलकुलेटर इन्वेंट गॉटफ्राइड द लीबनीज कैलकुलेटर इन 1694। इट वाज यूज्ड व्हील्स टू ऐड एंड सब्ट्रैक्ट नंबर। इसने क्या है कैलकुलेटर इन्वेंट किया था, जो क्या कहते हैं यूज होता था ऐड एंड सब्ट्रैक्ट नंबर के लिए। बट इट कुड आल्सो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड नंबर। ये ऐड और सब्ट्रैक्ट भी करता था और मल्टीप्लाई भी करता था नंबर्स को। दिस वाज पेटेंटेड टू द ब्रेक थ्रू अ स्टेप अहेड ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन टुवर्ड्स एडवांस कैलकुलेशन। यानी ये सबसे ज्यादा एडवांस कैलकुलेशन के लिए यूज हुआ था। तो लीबनीज कैलकुलेटर को किसने बनाया था, गॉटफ्राइड ने 1694 में। उसके बाद हमारे पास है पंच कार्ड। क्या है पंच कार्ड, पंच कार्ड क्या होता है, इज अ स्ट्रिप ऑफ कार्ड विच होल्स। जैसे कि आपको ये पंच कार्ड नजर आ रहा है, इसके अंदर देखें आप डिफरेंट होल्स पंच इनटू इट। पंच कार्ड वर डेवलप बाय द जोसेफ जैकबर्ट इन 1801 टू कंट्रोल द वीविंग लूम। लेटर पंच कार्ड वर यूज्ड टू प्रोग्राम और गिव इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर। यानी पंच कार्ड क्या थे, इंस्ट्रक्शन देते थे कंप्यूटर्स को। जैसे आप लोग एटीएम पे जाती हैं, आपके पास कार्ड होता है, आप एटीएम कार्ड को उसमें पुट करते हैं और आपने जो भी अमाउंट लेनी होती है उसके आपके इंस्ट्रक्शंस पूछी जाती हैं कि कौन सा कोड आपने करना है इंप्लीमेंट। तो अब आपको सेम डैट पंच कार्ड का भी यूज है। पंच कार्ड टेक्नोलॉजी वॉज यूज इन द सुपर मार्केट फॉर ऑटोमेटिक डाटा फॉर एंट्री इन द फॉर्म ऑफ किन बॉल टैग्स। व्हेन बारकोड्स कंप्लीटली टुक ओवर द बारकोड्स मेथड इज नाउ बीइंग यूजली जनरेटेड प्लेस विद द न्यूअर टेक्नोलॉजी इन द फॉर्म ऑफ RFID टैग्स व्हिच आर करंटली बीइंग मेनली फॉर प्रिवेंटिंग शॉपलिफ्टिंग। एज RFID टैग्स आर एक्सपेंसिव देन प्रिंटिंग बारकोड्स, देयर इज मोस्टली लिमिटेड इन द एक्सपेंसिव आइटम। बारकोड्स क्या होते हैं, जैसे कि अगर आप कोई भी प्रिंटेड कोई भी थिंग बाय करते हैं तो उसके बैक साइड पे क्या कहते हैं कुछ बारकोड्स लाइंस गिवन होती हैं। तो बारकोड्स क्या होती हैं, ये ब्लैक एंड व्हाइट लाइंस होती हैं जो इंडिकेट करती हैं उसकी अमाउंट को कि कितना एक्सपेंसिव है और इसकी अमाउंट इसके अंदर क्या हाइड होती है, ठीक है, बारकोड्स लाइंस के अंदर। उसके बाद है चार्ल्स बैबेज। हु इज चार्ल्स बैबेज, चार्ल्स बैबेज इज द फादर ऑफ द मॉडर्न कंप्यूटर। चार्ल्स बैबेज इज द फादर ऑफ द मॉडर्न कंप्यूटर वर्ल्ड। चार्ल्स बैबेज इज कॉल्ड फादर ऑफ मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर्स। इन 19th सेंचुरी ही डिजाइन टू मशीन्स कॉल्ड डिफरेंस इंजन एंड एनालिटिकल इंजन। चार्ल्स बैबेज ने टू मशीन्स बनाई थी, एक का नाम क्या था एनालिटिकल इंजन, सेकेंड इज डिफरेंस इंजन। कितनी मशीन क्रिएट की थी इसने, टू, वन इज एनालिटिकल इंजन, सेकेंड इज डिफरेंस इंजन। द एनालिटिकल इंजन कुड बी प्रोग्रामड। एनालिटिकल इंजन क्या था, वो प्रोग्राम बेस पे था। यू ओनली हैड टू गिव इंस्ट्रक्शंस टू मशीन्स द फर्स्ट टाइम दे परफॉर्म द कैलकुलेशंस। यूजर क्या करते थे, उसे कैलकुलेशंस को क्या करते थे, डन करते थे। किसके जरिए, एनालिटिकल इंजन के जरिए। उसके बाद है बैबेज यूज पंच कार्ड टू गिव इंस्ट्रक्शंस टू द एनालिटिकल इंजन। बैबेज ने
पंच कार्ड के जरिए कुछ इंस्ट्रक्शन दी थी किसको, एनालिटिकल इंजन को. ही यूज द सीक्वेंस एंड अरेंजमेंट ऑफ कोड्स और कोड्स ऑफ इंस्ट्रक्शन. उसने हर चीज को एक सीक्वेंस में डन किया था. लेडी एडा लवेक्स रोड दीज इंस्ट्रक्शन, शी इज कॉल्ड द फर्स्ट प्रोग्रामर. ठीक है, लेडी ब्लैक रॉट दीज इंस्ट्रक्शन, शी इज द फर्स्ट प्रोग्रामर. आपसे कोई भी क्वेश्चन करते हैं हु इज द फर्स्ट गर्ल ऑफ द प्रोग्रामर, सो यू कैन से लेडी एडवा लेविक रॉट दीज इंस्ट्रक्शन, शी इज द फर्स्ट प्रोग्रामर. द कंसेप्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज फॉलो इन द सीक्वेंस हैज मर्ज सिंस हैव बीन रिवॉल्विंग टुवर्ड्स द परफेक्शंस. ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है हर्मन हॉलरिथ. हर्मन हॉलरिथ इन 1890s हर्मन हॉलरिथ डेवलप्ड अ टैबुलेटिंग मशीन. हर्मन हॉलरिथ ने एक टैबुलेटिंग मशीन की क्रिएट की थी. ही यूज पंच कार्ड, उसने साथ में क्या यूज किया, पंच कार्ड को यूज किया. गिव इंस्ट्रक्शंस टू इट एंड स्टोर डाटा. एक पंच कार्ड के अंदर इंस्ट्रक्शन स्टोर हो और डाटा को स्टोर कर सके. द टैबुलेटिंग मशीन वाज यूज्ड टू स्टोर एंड काउंट सेंसस डाटा. सेंसस डाटा जैसे मर्दमशुमारी करते हैं, पूरी कंट्री की पॉपुलेशन को काउंट करते हैं, तो ये हर्मन हॉलरिथ ने ये जो टैबुलेटिंग मशीन इन्वेंट की थी ये इसी पर्पस के लिए की थी. ठीक है, तो इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ स्टोरिंग डिवाइस इनटू द एवोल्यूशंस ऑफ द कंप्यूटर. देखिए हम इन्होंने एग्जांपल भी दिया, द सेंसस इज काउंट ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन. सेंसस काउंट किसके लिए यूज होता है, कंट्रीज की पॉपुलेशन के लिए, कि कितनी हमारे मुल्क में क्या कहते हैं पॉपुलेशन है. द लास्ट सेंसस इन पाकिस्तान वॉज कैरिड आउट इन 1998. सबसे पहले जो लास्ट हमारा सेंसस हुआ था पाकिस्तान के अंदर वो स्टार्ट कब था, 1998 में. उसके बाद आपके सामने एग्जांपल शो है. ठीक है, ये फॉर इवैल्यूएशन ऑफ कंप्यूटर्स मशीन है कि चाइनीज यूज अबैकस फॉर कैलकुलेशंस, ब्लेज पास्कल इन्वेंट अ पास्कल लाइन, जोसेफ जैकबर्ट इन्वेंट अ पंच कार्ड, चार्ल्स बेबेज वर्क ऑन द एनालिटिकल इंजन. 1948 से ही द फर्स्ट पर्पस कंप्यूटर्स एनी इज अनाउंस, यानी इसमें आपको बताया गया है कि किस तरह जनरेशन डे बाय डे वर्क आउट हुई है. उसके बाद जॉन नेफिर इन्वेंट नेफिर बॉन्स, गॉडफ्रे लिबनीज इन्वेंट अ लिबनीज कैलकुलेटर, चार्ल्स बेबेज वर्क ऑन द डिफरेंस इंजन, हर्मन हॉलरिथ इन्वेंट अ टैबुलेटिंग मशीन. यानी जितनी भी हम लोगों ने पढ़ी है कि कंप्यूटर की इन्वेंशंस, अबेकस, पास्कल लाइन, लिबनीज कैलकुलेटर, पंच कार्ड, चार्ल्स बेबेज, हर्मन हॉलरिथ, इन सब की ये क्या है आपकी एवोल्यूशन ऑफ द कंप्यूटर मशीन की है. हेडलाइंस गिवन है आपके सामने. उसके बाद है नेक्स्ट हमारा टॉपिक है द इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर. द इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एंड जनरेशंस ऑफ द कंप्यूटर. इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इज यू ऑल ऑफ नो कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन. वी गेट इन द 20th सेंचुरी कंप्यूटर वर यूजिंग इलेक्ट्रिक पावर टू प्रोसेस इंफॉर्मेशन. These computers developed more rapidly earlier than computing devices. Computers have been classified into the generations. Computers can be classified into the generations. Let's look at each generation's contributed to the development of the modern digital computer. Okay, first we discuss about the generations of the computer. One is vacuum tube. Vacuum tube. It is the first generation of the computer. Second generation is transistors. Third is ICs. Fourth is microprocessor. Fifth is the future. There are five generations of the computer. Vacuum tube, transistors, ICs, microprocessor and the future. First we discuss about the first generations of the computer. First generations of the computer start 1942 to 1955. Okay, the first generation of the computer is vacuum tube. A vacuum tube consists of glass, bulb and wire. वैक्यूम ट्यूब किसके ऊपर कंसिस्ट होती है, ग्लास बल्ब एंड वायर. द वायर कैरी डाटा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स. वायर्स क्या करता है, कैरी करता है डाटा को इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स. जैसे आपके सामने ये शो है वैक्यूम ट्यूब, देखें इट इज वैक्यूम ट्यूब किससे बनी हुई है, एक ग्लास बल्ब से बनी हुई है. ठीक है, जब कंप्यूटर जनरेशन स्टार्ट हुई थी
इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स, ठीक है। इसमें हमारे पास डिवाइस है फर्स्ट जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर्स में एनी इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर वॉज द फर्स्ट जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर। इट कंटेन्स नियरली 19,000 वैक्यूम ट्यूब्स एंड वेट अबाउट 27 टन्स, यानी इसका वेट कितना था, नियरली अबाउट 19,000 वैक्यूम ट्यूब्स वेट अबाउट 27 टन्स, यानी एक रूम के अकॉर्डिंग जब एक कंप्यूटर से तो इसका वेट कितना था, 27 टन्स इसका वेट था। और एक ही टाइम के अंदर हम लोग बेसिकली 40 वैक्यूम ट्यूब्स लगाते थे, जिससे क्या होता था, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज होती थी और विद इन 1 सेकेंड में ये क्या होती थी, बर्न आउट होना स्टार्ट हो जाती थी। सम अदर कंप्यूटर्स ऑफ दिस जनरेशन वर एडविक एंड एडजिक। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वर वेरी लार्ज, मेड मेनी मिस्टेक्स, प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ हीट, वर डिफिकल्ट टू मूव वन प्लेस टू एनदर, और हमारे लिए बहुत मुश्किल होता था इसको एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर आना। सेकेंड जनरेशन हमारे पास कौन सी है, ट्रांजिस्टर्स। ट्रांजिस्टर्स सेकेंड जनरेशन वर यूज इन द ट्रांजिस्टर्स। Our transistors can carry much electric current than our vacuum tube. Transistors क्या करते थे, बहुत ज्यादा electric current लेते थे जिससे vacuum tube से, because जब ये generation आई थी इसमें face करनी पड़ी difficulties को, फिर next generation जो आई transistors, ये क्या करती थी, ये बहुत ज्यादा electric current लेती थी as compared to vacuum tube. कंप्यूटर्स वर फास्टर एंड स्मॉलर। ट्रांजिस्टर्स ऑफ द सेकेंड जनरेशन में कंप्यूटर्स क्या थे, साइज में क्या थे, फास्टर भी थे और क्या थे, स्मॉलर थे। दे वर आल्सो चीपर, मोर रिलायबल एंड प्रोड्यूस लेस हीट, और बहुत कम लेस हीट करते थे, ठीक है। थर्ड जनरेशन हमारे पास क्या है, आईसीज। आईसीज स्टैंड फॉर इंटीग्रेटेड सर्किट्स। आईसीज स्टैंड फॉर इंटीग्रेटेड सर्किट। इट इज द थर्ड जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर। ICs is the third generation of the computer, and ICs is as small as a transistor, but it can work as fast as thousands of them. यानि इन सबसे ज़्यादा क्या अच्छा work करते थे vacuum transistors, and the third generation is ICs. Computers become smaller, faster, and cheaper. इसमें computer क्या थे, बहुत ज़्यादा smaller थे, faster थे, and cheaper थे. They use less electricity. Make fewer mistakes, और बहुत थोड़ी थोड़ी mistakes थी इसके अंदर as compared to vacuum tube and the transistors. Okay, the fourth generation is microprocessor. Fourth generation हमारी कौन सी है, microprocessor. This is the fourth generation of the computer. Fourth generation computer are based on the microprocessor. A microprocessor consists of small silicon chip on which thousands of circuits are placed or printed. इसके अंदर क्या थे, बहुत सारे क्या कहते हैं circuits क्या थे, printed थे। The computers used today are based on the microprocessor. आजकल हम जो भी computers use कर रहे हैं वो सारे किसके ऊपर based करते हैं, microprocessor. They are smaller, portable, reliable and cheaper. They are smaller, portable, reliable and cheaper. They use less electricity and produce less heat. ये बहुत कम heat करते थे as compared to vacuum tube, transistors and IC. The microprocessor revolutionized electronic gadgetry and today smart devices are found in every household. जो आपके घर में tablets हैं, mobile phones हैं, इन सब के अंदर क्या होती, क्या है, microprocessor chip use होती है, ठीक है। Smart devices use microcontroller are called the dedicated computers. In इस generation को हम लोग क्या कहते हैं, dedicated computers भी कहते हैं। उसके बाद the last generation is the future. देखें, आजकल हम अपने बहुत सारे टास्क को computerized system में कर रहे हैं, लेकिन further जो generation आएगी, हमारे बहुत सारे टास्क को कौन डन करेगा, future technology like robots, ठीक है, हम जो भी काम करेंगे हमारे साथ एक robot होगा, हम उसको टास्क को देंगे, उसको कहते हैं यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड स्टिल अपग्राउंड गोइंग डेवलपमेंट विद द हेल्प ऑफ इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स बी यूज प्रोसेसिंग एंड एक्सेप्टिंग इंस्ट्रक्शंस गिवन थ्रू वॉइस मैसेजेस। आप फिफ्थ जनरेशन में आप टाइप नहीं करना पड़ेगा तकरीबन, इस माइक्रो प्रोसेसर फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन थोड़ी थोड़ी सेम है, लेकिन हम लोग समटाइम राइट नहीं करते, हम वॉइस नोट भेज सकते हैं, वॉइस मैसेजेस। Processing and understanding statements entire the user normal conversation language
but everyday life recognize subjects in image weather forecasting. घर बैठे ही हमें पता चल जाता है कि आज वेदर कैसा है, और जैसे ऑनलाइन क्लासेस आपकी हो रही हैं, फर्दर टेक्नोलॉजी में ऐसे ही आपकी क्लासेस होती रहेंगी. नेक्स्ट हमारे पास है टाइप है टाइप्स ऑफ कंप्यूटिंग डिवाइस. टाइप्स ऑफ कंप्यूटिंग डिवाइस कौन सी हमारे पास कंप्यूटिंग डिवाइस है. वन इज एनालॉग डिवाइसेस, सेकेंड इज डिजिटल डिवाइसेस. वन इज एनालॉग डिवाइस, सेकेंड इज डिजिटल डिवाइसेस. एनालॉग डिवाइस क्या होती है. एनालॉग डिवाइस डिवाइस इज दैट एनालॉग डाटा आर कॉल्ड एनालॉग डिवाइसेस. एनालॉग डाटा हैज कंटीन्यूअस वैल्यूज. इट इज यूज फॉर मेजरिंग क्वांटिटीज लाइक लेंथ. जब भी आपने कोई भी लेंथ को फाइंड आउट करना है, वेट को एंड टाइम को. जैसे आपकी वॉल क्लॉक लगा हुआ है आपके, तो वो क्या है, एनालॉग है. ठीक है, जो आप टाइम देख रहे हैं वो सारा क्या है, एनालॉग है. ठीक है, डिवाइसेस दैट प्रोसेस एनालॉग डेटा आर कॉल्ड एनालॉग डिवाइसेस. एनालॉग डेटा हैज कंटीन्यूअस वैल्यूज. इट इज यूज्ड टू मेजर इन क्वांटिटीज लाइक लेंथ, वेट एंड टाइम. एनालॉग क्लॉक्स, हीटिंग स्केल्स एंड थर्मोमीटर्स आर एनालॉग डिवाइसेस. आजकल जो थर्मोमीटर यूज हो रही है वो भी क्या है, एनालॉग डिवाइसेस है. उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास कंप्यूटिंग डिवाइस है डिजिटल डिवाइसेस. डिजिटल डिवाइसेस, डिजिटल डिवाइसेस प्रोसेस डिजिटल डाटा. डिजिटल डिवाइसेस कौन सी है, जो डिजिटल डाटा को क्या करती है, प्रोसेस करती है. डिजिटल डाटा इज डिस्क्रीट. डिजिटल डाटा इज डिस्क्रीट. इट इज यूज्ड टू काउंट थिंग्स. इसमें हम चीजों को काउंट कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं इन अ स्टेप्स. डिजिटल डिवाइसेस डू नॉट गिव रीडिंग ऑन द कंटीन्यूअस स्केल. डिजिटल क्लॉक्स, ट्रैफिक लाइट्स, कैलकुलेटर्स एंड डिजिटल थर्मोमीटर्स, डिजिटल डिवाइसेस, मोस्ट कंप्यूटर आर डिजिटल. लाइक आप लोगों ने जो रिस्ट वॉचेस पहनी हुई होती है, ठीक है, ये आपके सामने एग्जाम्पल शो हो रही है कि डिजिटल वॉच किस तरह होती है. आपको काउंट बताती है, आप इसमें काउंट कर सकते हैं थिंग्स को, मेजर कर सकते हैं थिंग्स को. डिजिटल डिवाइसेस डू नॉट रीडिंग ऑन द कंटीन्यूअस स्केल. इट यूज इन द क्लॉक्स, ट्रैफिक लाइट्स. जैसे ट्रैफिक लाइट्स में हमें टाइमिंग पता चल जाती है कि विद इन 5 मिनट्स के बाद ट्रैफिक ब्लॉक हो जाएगी या ओपन हो जाएगी. कैलकुलेटर्स एंड डिजिटल थर्मोमीटर्स आर डिजिटल डिवाइसेस. मोस्ट कंप्यूटर आर ऑल्सो यूज डिजिटल डिवाइसेज. सो कंप्यूटर डिवाइसेज आर एनालॉग एंड डिजिटल डिवाइसेज. नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट द कंप्यूटर्स अकॉर्डिंग टू साइज. कंप्यूटर के साइज कौन से होते हैं. वन इज द सुपर कंप्यूटर, सेकेंड इज द मेन फ्रेम कंप्यूटर, थर्ड इज द मिनी कंप्यूटर एंड द फोर्थ इज द माइक्रो कंप्यूटर. कंप्यूटर अकॉर्डिंग टू, कंप्यूटर कैन बी डिवाइड अकॉर्डिंग टू द साइज. वन इज द सुपर कंप्यूटर, सेकेंड इज द मेन फ्रेम कंप्यूटर, थर्ड इज द मिनी कंप्यूटर एंड द फोर्थ इज द माइक्रो कंप्यूटर. सुपर कंप्यूटर आर द फास्टेस्ट कंप्यूटर इन द वर्ल्ड. सुपर कंप्यूटर आर मोस्ट कॉम्प्लेक्स कंप्यूटर. बहुत ज्यादा डिफिकल्ट कंप्यूटर्स हैं. दे यूज मेनी एडवांस डिजाइन टेक्निक्स एंड वेरी हाई कंप्यूटिंग कैपेसिटीज एंड स्पीड. और इसकी स्पीड सबसे ज्यादा फास्ट होती है. ठीक है, दे रिक्वायर स्पेशल एयर कंडीशन रूम. और सुपर कंप्यूटर के लिए स्पेशल एयर कंडीशन रूम्स की जरूरत है. सुपर कंप्यूटर यूज एट द ब्रिटिश मेटलॉजिकल ऑफिस सिस्टम reads over the calculations ordered to produce weather forecast following 24 hours. Supercomputer से आप weather forecasting कर सकते हैं. आपको weather के बारे में पता चल जाता है कि 24 hours में weather किस तरह का है. Supercomputers are complex who need to process complex data. In examples of automatic engineers who simulate cars crashing into the walls, aeroplane designers who simulate air falling aeroplanes wings. Super assay also used to oil explorations and help managers, department stores, chains to decide what to buy, where to stock it. Like जैसे airlines हमारी होती हैं, वहाँ पे भी जो हमारा record होता है, वो सारा किसके जरिए हमें maintain किया जाता है, उन्हें super computers के जरिए, क्योंकि super computers can solve complex calculations within a second. Okay, the next type is the mainframe computers. The next type is the main computers. It can divide into the second size. Are large mainframe computers are large and expensive. बहुत ज़्यादा large होते हैं और क्या होते हैं?
इन द लार्ज बैंक्स, बड़े बड़े बैंक्स में यूज होते हैं ये सुपर मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, एयरलाइंस में यूज होते हैं एंड यूनिवर्सिटीज, और यूनिवर्सिटीज में यूज होते हैं. हंड्रेड्स ऑफ यूजर्स कैन वर्क अ मेन फ्रेम एडेसिन, हंड्रेड्स ऑफ पीपल एक ही टाइम के अंदर मेन फ्रेम कंप्यूटर को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं. द नेक्स्ट टाइप इज मिनी कंप्यूटर्स. मिनी कंप्यूटर इज अ टाइप ऑफ कंप्यूटर, ठीक है. मिनी कंप्यूटर आर स्मॉलर एंड चीपर देन मेन फ्रेम कंप्यूटर, दे हैव लेस प्रोसेसिंग पावर, इनकी स्पीड क्या होती है, कम होती है. मिनी कंप्यूटर्स कैन प्रोसेस लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा एंड यूज मीडियम लार्ज बिजनेस कॉलेजेस बैंक्स एंड लाइब्रेरीज, ठीक है. फ्यूअर पीपल कैन वर्क ऑन द मिनी कंप्यूटर, बहुत कम लोग यूज करते हैं मिनी कंप्यूटर्स को. ज्यादातर लोग आज के जो आप घरों में यूज करते हैं वो है नेक्स्ट हमारी टाइप आई की माइक्रो कंप्यूटर्स की, ठीक है. नाउडेज मिनी कंप्यूटर्स हैव बीन रिप्लेस्ड विद द माइक्रो कंप्यूटर, यानी मिनी कंप्यूटर्स को रिप्लेस कर दिया गया है किसके जरिए, माइक्रो कंप्यूटर्स के जरिए विद इक्विवेलेंट प्रोसेसिंग कैपेसिटीज. द नेक्स्ट टाइप इज माइक्रो कंप्यूटर. माइक्रो कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर आर द टाइप ऑफ द कंप्यूटर. माइक्रो कंप्यूटर आर स्मॉलर चीपर देन मेन मिनी कंप्यूटर. माइक्रो कंप्यूटर्स आर स्मॉलर चीपर देन मिनी कंप्यूटर, दे आर सो यूज स्मॉल बिजनेसेस स्कूल्स एंड इन होम्स. यानी ये मिनी माइक्रो कंप्यूटर्स कौन से हैं, जो आपके घरों में यूज होते हैं, स्कूल्स में लैब्स में यूज होते हैं, और छोटे छोटे बिजनेस जो उनसे होते हैं उसमें यूज होते हैं, ठीक है. दे आर यूज बाय सिंगल यूजर, इसको एक टाइम में एक ही यूजर इस्तेमाल कर सकता है. इट इज कॉल्ड द डेस्कटॉप कंप्यूटर, जो आपके घरों में कंप्यूटर्स पड़े हुए हैं, पीसीज पर्सनल कंप्यूटर्स पड़े हैं, उसको हम लोग डेस्कटॉप कंप्यूटर्स भी कहते हैं और पर्सनल कंप्यूटर्स भी कहते हैं. माइक्रो कंप्यूटर्स इन द डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस, देखिए माइक्रो कंप्यूटर्स को हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड कर दिया गया है. वन इज द लैपटॉप कंप्यूटर, स्मार्टफोन्स एंड टैबलेट्स, ठीक है. लैपटॉप कंप्यूटर्स क्या होते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ नोटबुक कंप्यूटर्स, ठीक है. आप उसको इजीली कैरी कर सकते हैं वन प्लेस टू अनदर, आप किसी भी सेपरेट रूम में बैठ के वर्कआउट कर सकते हैं, अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तब भी आप उसको यूज कर सकते हैं. सो इट इज अ कंप्यूटर आर स्मॉलर देन द डेस्कटॉप कंप्यूटर, बट ये डेस्कटॉप कंप्यूटर से क्या होते हैं, स्मॉलर होते हैं. द कंसिस्ट ऑफ कीबोर्ड मॉनिटर प्रोसेसर स्टोरेज डिवाइस बिल्ट इनटू द सिंगल केस, दे आर लाइटर कैन बी पावर्ड टू द बैटरी. और ये किससे यूज होते हैं, इसको हमने बैटरी से चार्ज करना होता है लैपटॉप कंप्यूटर्स को, और फिर आप इसको इजी टू कैरी कर सकते हैं वन प्लेस टू एंड देन. दे आर पोर्टेबल बट मोर एक्सपेंसिव, बट एक्सपेंसिव होते हैं, ठीक है, देन द डेस्कटॉप कंप्यूटर. जैसे कि अभी आप लोग ऑनलाइन लेक्चर्स ले रहे हैं, लैपटॉप यूज कर रहे हैं, मोबाइल फोन्स यूज कर रहे हैं, स्मार्टफोन्स यूज कर रहे हैं, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ द माइक्रो कंप्यूटर. अगर कुछ लोग डेस्कटॉप कंप्यूटर्स यूज कर रहे हैं, घरों में आपके जो डेस्कटॉप कंप्यूटर्स अवेलेबल हैं, इंटरनेट कनेक्शन है उसके साथ, तो आप क्या यूज कर रहे हो, माइक्रो कंप्यूटर्स यूज कर रहे हो. नेक्स्ट हमारे पास टाइप है स्मार्टफोन्स एंड टैबलेट्स कंप्यूटर. स्मार्टफोन्स क्या है, जो आपके पास टैबलेट्स वगैरह है रिलेटेड टू द मोबाइल डिवाइसेस, ये बिल्कुल मोबाइल फोन्स की तरह होते हैं एंड रन अ वैरायटी ऑफ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस, और इसके अंदर बहुत सारे सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, एप्लीकेशंस वर्कआउट करते हैं. दीज एप्लीकेशंस आर यूज्ड इन टेंट कम्युनिकेशंस नेटवर्किंग एंड मैनी अदर यूटिलिटीज, और बहुत ज्यादा हम लोग कम्युनिकेशन जब हम लोग करते हैं तो उस पर्पज के लिए यूज करते हैं. स्मार्टफोन्स आर टैबलेट कंप्यूटर्स आर यूज्ड बेस्ड ऑन द टच स्क्रीन. जैसे स्मार्टफोन्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं, हम उसको स्क्रीन को टच करते हैं और जो भी फंक्शंस आपने डन करने होते हैं वो अकॉर्डिंग स्टेटमेंट करते हैं. इन्फ्लुएंस अबव द गेस्चर्स कंट्रोल, गेस्चर अक्सर हम लोग वॉइस नोट भी भेजते हैं और मोबाइल फोन उस वॉइस को पिक करता है और हमें रिजल्ट्स प्रोवाइड करता है. नेक्स्ट हमारे पास है पेज नंबर 10 पे एम्बेडेड कंप्यूटर्स. एम्बेडेड कंप्यूटर इज द माइक्रो प्रोसेसर, ये भी क्या है, एक टाइप है माइक्रो प्रोसेसर की, दैट इज फिटेड इनटू द डिवाइस टू कंट्रोल इट्स ऑपरेशंस. Microcontroller is also embedded computers, but teeny specialized microprocessor installed in the small appliances and the automobile phones. ये सारी चीजें आपके क्या है, मोबाइल फोन्स में वर्कआउट कर रही होती हैं. उसके बाद है places where computer are used. आपको पता है computers कहाँ कहाँ पे यूज होते हैं, क्या computer banks में यूज होते हैं, yes or no? Business में यूज होते हैं, factories में यूज होते हैं, एंटरटेनमेंट कंपनीज में यूज होते हैं, जैसे कोई भी फनी क्लिप होता है, एडवर्टाइजिंग कंपनीज जो एडवर्टाइज करता है कोई भी न्यूज को, मेडिकल प्रोफेशनल मेडिकल की जो थिंग्स होती हैं उसके लिए यूज करते हैं, मेडिसिन वगैरह के लिए, कौन सी न्यू मेडिसिन को अपडेट किया है, कंप्यूटराइज सिस्टम के जरिए सारा कुछ मैंने कहते हैं. लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज,
computer can be used in the banks. Banks are used to computer track of their clients. Business, small large word processor, database, spreadsheet. यानी कि अगर आपको कोई भी एप्लीकेशन राइट करनी है सो यू कैन यूज द वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम. इफ यू वांट टू क्रिएट अ सैलरी शीट यू कैन यूज अ स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर. इफ यू वांट टू क्रिएट अ प्रेजेंटेशन यू कैन यूज द पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर. फैक्ट्रीज आर यूज टू रिपोर्ट द असेंबल आइटम्स सच एज कार एंड टेलीमियंस. जैसे कि फैक्ट्रीज में टेलीमियंस और कार्स वगैरह जितना भी उनका रिकॉर्ड मेंटेन होता है फैक्ट्रीज उसके लिए यूज करती हैं. एंटरटेनमेंट कंपनीज आर क्रिएट कार्टून्स. जैसे आप कार्टून्स वॉच करते हो स्पेशल इफेक्ट्स ऑन द टीवी एंड इन फिल्म्स. और जैसे फिल्म्स मूवीज बनती हैं आप मोबाइल फोन के ऊपर शॉर्ट फॉर्म में कुछ वीडियोस बनाते हैं. एडवर्टाइजिंग कंपनीज ग्राफिक्स के लिए कलरफुल एडवर्टाइजमेंट्स फॉर टीवी मैगजीन्स एंड द न्यूज़पेपर. एंड सेकंड लास्ट इज मेडिकल प्रोफेशंस यूज कंप्यूटर टू रिसर्च ट्रीटमेंट्स एंड प्रोड्यूसिंग एक्सरेज. जैसे अक्सर मेडिकल प्रोफेशन में एक्सरे यूज होता है ठीक है, जिसमें हमारा पूरा स्ट्रक्चर दिखा दिया जाता है कि अगर हमें कोई प्रॉब्लम है तो हम एक्सरे से देख सकते हैं. लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज आर यूज कंप्यूटर टू ट्रैक डाउन क्रिमिनल्स. यानी हमें पता चल जाता है कि क्रिमिनल्स का रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं उसमें कि, और कैमराज लगे होते हैं उनकी रिकॉर्डिंग होती है. तो ये सारा कुछ किसके जरिए होता है, कंप्यूटराइज सिस्टम के जरिए होता है ठीक है. So in this chapter, my dear students, we can learn how computer process data. Computer किस तरह process करते हैं और कौन सी वो inventions थी जिसके जरिए computers डरते थे. उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि Abacus के बारे में पढ़ा था, Charles Babbage के बारे में, Pascal line के बारे में, punch card के बारे में, Hermann Hollerith ने क्या किया था, Gottfried ने क्या किया था. ये सारी revolutions of the computers हमने पढ़ी थी, evolutions of the computer. Understand what is computer. Computer is an electronic machine. We can divide into the different generations. One is the vacuum tube, second is the transistor, third is ICs, and the fourth is microprocessor, and the last is future, yani ki artificial intelligence. Uske baad we can also describe learn computing devices. What are computing devices? Analog and the digital devices. Theek hai, analog kis purpose ke liye use hoti hain and digital kis purpose ke liye use hoti hain. And next we can understand the computer according to size. Computers humne kis size mein divide kar diya gaya hai. One is super computer, second is the mainframe computer, third is the mini computer and the fourth is the micro computers. ठीक है. और उसके बाद हमने अंडरस्टैंड किया था कंप्यूटर कहाँ कहाँ यूज होते हैं. बैंक्स में, स्कूल्स में, ऑफिसेस में, फैक्ट्रीज में, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज में ठीक है. उसके बाद है एंटरटेनमेंट में, यानी आप लोग कार्टून्स वॉच करते हैं. इन सब में कंप्यूटराइज्ड सिस्टम इज वेरी इफेक्टिव इन ऑल द सिचुएशंस. इज दैट क्लियर? इज देयर एनी क्वेश्चन अबाउट द रेलेवेंट टॉपिक, द इवोल्यूशंस ऑफ द कंप्यूटर्स? Five generations of the computer. One is the vacuum tube, second is the transistor, third is the integrated circuit, and the fourth is microprocessor, and the last is the future, the artificial intelligence. उसके बाद हमने computing devices के बारे में पढ़ा था. What are the computing devices? There are two computing devices. One is the analog and the second is the digital devices. ठीक है. एनालॉग डिवाइसेज में हम लोगों ने पढ़ा था रिस्ट वॉचेस, जो आपका वॉल क्लॉक लगा हुआ है वो क्या है, एनालॉग डिवाइस है. और डिजिटल में जैसे आपको पॉइंट्स फॉर्म में टाइम नजर आ रहा था वो डिजिटल वॉचेस होती है. ठीक है. उसके बाद हमने पढ़ा था कंप्यूटर अकॉर्डिंग टू द साइज. कंप्यूटर कैन बी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट साइज. वन इज द सुपर कंप्यूटर, सेकेंड इज द मेन फ्रेम कंप्यूटर, थर्ड इज द मिनी कंप्यूटर, फोर्थ इज द माइक्रो कंप्यूटर. और माइक्रो कंप्यूटर्स में क्या आ जाता है, आपके स्मार्टफोन्स आ जाते हैं, आपके लैपटॉप्स आ जाते हैं, आपके टैबलेट्स आ जाते हैं और एम्बेडेड कंप्यूटर्स आ जाते हैं. उसके बाद हमने पढ़ा था कि कंप्यूटर्स कहाँ कहाँ यूज होते हैं. कंप्यूटर कैन बी यूज इन द ऑफिस, स्कूल्स, बिल्डिंग्स एंड फैक्ट्रीज, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, मेडिकल प्रोफेशन. इन ऑल दीज थिंग्स कंप्यूटर कैन बी यूज इन एवरी सिचुएशन. इज दैट क्लियर? योर होमवर्क इज लर्न प्लस राइट वन पेज प्लस क्वेश्चन आंसर्स डी और ई पार्ट ऑफ चैप्टर नंबर वन. लर्न प्लस राइट वन पेज प्लस क्वेश्चन आंसर्स ऑफ चैप्टर नंबर वन. सो आपने घर से अपनी नोटबुक पे, अपनी बुक पे आपने वर्क पेज को सॉल्व करना है और आपने क्वेश्चन आंसर्स आपको व्हाट्सएप के थ्रू सेंड कर दिए जाएंगे. वो क्वेश्चन आंसर्स आपने अपनी नोट
नोटबुक पे राइट डाउन करनी है। यस 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 टेक केयर योरसेल्फ अल्लाह हाफिज।